प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों ये हमारा दोस्त मोहम्मद सईद खड़ा हुआ है। तो हमारा एक दोस्त है, उसकी भाभी फोत हो गई है, उसकी ताज़ियत पर जा रहे हैं। ये हमारा दोस्त खड़ा हुआ है मोटरसाइकिल पर, तो इसने मुझे कॉल किया है। तो मैं अभी घर से निकल कर आया हूँ, हाथ मुँह भी नहीं धोया है, ना चाय पिए, नाश्ता भी नहीं किया है। तो इसने बोला कि साथ में उधर चल कर नाश्ता करेंगे। इसने खुद भी अभी नाश्ता नहीं किया, मेरे काम ने नाश्ता किया नहीं किया, चले अभी इसने भी नाश्ता नहीं किया भाई। अभी हम जा रहे हैं तो दूसरे दोस्त आगे रस्ते में खड़े हुए हैं, तो हम दोस्त की ताज़ियत पर जा रहे हैं। तो आगे आप लोग मुझसे मिलते हैं। दोस्तों अभी हम बाज़ार से का रास्ता लेकर जा रहे हैं, और ये फैज़ान मदीना है, और डेरा लाया शहर की, डेरा लाया शहर की ये फैज़ान मदीना है, और ये सब्ज़ी मार्केट है सिर्फ, और ये फैज़ान मदीना मस्जिद है बड़ी मशहूर डेरा लाया शहर की, और ये जानकारी मिल रहा है सरकार की जमीन पड़ी हुई है, ना सरकार खुद फायदा उठा रही है, ना गरीबों को फायदा उठाने दे रही है। ये देखो मिल है, और ये सर भी मिल है, सारी टूटी फूटी हुई है, ना काम काज कर रहे हैं, ना क्या कर रहे हैं, कुछ भी काम की नहीं है। तो हम बाजार मेन बाज़ार में पहुँच गए हैं, बाजार मार्केट में बंद है सारी बाजार। तो अभी हम से जा रहे हैं दो में के साथ कर आगे। प्यारे दोस्तों ये भी मदरसतुल मदीना है, हमारा दोस्त एक यहाँ पर मस्जिद शरीफ पढ़ाता है, ये भी दावत इस्लामी का मस्जिद है माशाल्लाह, ये भी ज़बरदस्त है। और ये बाहर बैनर लगा हुआ है तुर्की और शाम के ज़िला मुतासरीन के लिए अफ़याद और सत्कार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो आप लोग दोस्तों दुआ फरमाओ कि अल्लाह पाक तुर्की और शाम के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए, और जो इनमें शहीद हो गए हैं अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जो ज़ख्मी हो गए हैं अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द सेहत याबता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों अभी हमारे उस्ताद मोहतरम सब आ गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं रस्ते में। ये हमारे उस्ताद मोहतरम ये हमारे बैठे हुए हैं सामने, बाकी मोटरसाइकिल पीछे है, तो वो पीछे आ रहा है, वो अभी आप लोगों को दिखाएंगे। रस्ते में जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो बकाया मोटरसाइकिल एक पीछे पीछे से आ रहा है, तो दोस्त आ जाएंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और ये हमारे दो साथी मतलब एक मोटरसाइकिल तीन साथी आगे जा रहे हैं, ये मतलब दिखना हुआ है माशाल्लाह, गाँव में सूरज माशाल्लाह देखिए आप का प्यारा मौसम है। तो अभी हम आहिस्ते आहिस्ते जा रहे हैं, और ये हमारा उस्ताद शौकत पीछे पीछे बिठा हुआ है, और ये उस्ताद इजार हाजिर तो हुई इंसान है, हमारे साथ ही जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर, और यहाँ पर ये हम जा रहे हैं इधर से जा रहे हैं दोस्तों ऐसे ऐसे जा रहे हैं गांव की माशाल्लाह मौसम का मजा दे 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 जा रहे हैं उन्होंने जो घर है उन्होंने जो और ये हमारे सारे मतलब क्या आ रहे हैं और हमारे सारे आप ले मतलब ये हमारे सारे और सारे हम आ रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ताजियत पर, पानी ये जा रहा है माशाल्लाह, अभी तो कम है पानी इसका लेकिन भरी होती है कभी कभी। प्यारे दोस्तों अभी ये अमीर के इस तरफ राइट साइड रास्ता जाता है, अभी थोड़ा सफर रह गया है बकाया, तो अभी हम अपने दोस्त के पास पहुंचने वाले हैं। तो दोस्त के और हम ये दोस्त के पास पहुंच गए, और यहाँ पर रास्ता भी ख़राब है, तो अभी यहाँ पर उतर रहे हैं नीचे हमारे दोस्त, तो अभी पैदल जाएंगे। ये उस्ताद वाले पहुंच गए हमारे, ये रास्ता थोड़ा ख़राब है तो हमें भी पैदल जाना है। घर
मेरे दोस्तों, मेरा ये दोस्त बोला सर मेरा नहीं है, हाफिज़ कारी है माशाल्लाह। अभी ये दावत इस्लामी वालों के पास पढ़ा रहा है और इसकी हम ताज़ियत पर आ गए थे, इसकी भाभी फोत हो गई थी तो दोस्त की ताज़ियत पर आए। अभी हम दोस्त से खुदाफिज़ कर रहे हैं और अब आगे चल रहे हैं। अरे दोस्तों, अभी दोस्त के ताज़ियत से फारिग होकर अभी हम सारे उस्ताद मोहतरम, सारे हमारे उस्ताद अभी कदीमी मस्जिद देखने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी हम कदीमी मस्जिद जा रहे हैं, कदीमी मस्जिद आप लोगों को दिखाएंगे, घुमाएंगे। तो अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, अभी तक रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में ये गाँव का मंजर भी आप लोग देखते जाए माशाल्लाह, कि गाँव का कितना खूबसूरत मंजर है ये देखिए माशाल्लाह। दोस्तों, अभी रास्ते में हम जा रहे हैं माशाल्लाह, ये गाँव का मंजर देखिए माशाल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर है देखिए गाँव की आबो हवा माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा सेहतमंद इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह सरसब्ज़ ज़्यादा होता है, सरसब्ज़ा। और यहाँ पर ये जो लोग होते हैं खाने के लिए मतलब जो है ज़्यादा मिर्ची वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये मक्खन लस्सी खाते हैं, तो इसलिए माशाल्लाह सेहतमंद होते हैं। ये देखिए आप लोग माशाल्लाह, यहाँ का ताज़ा आबो हवा माशाल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह। गाँव के लोग इसीलिए खूबसूरत होते हैं प्यारे दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता हमारा सफर पक्का जा रहा है और हम जा रहे हैं कदीमी मस्जिद, कदीमी मस्जिद में चलकर आप लोग माशाल्लाह। दोस्तों, ये देखिए कि इस तरफ भी दरख्त हैं, इस तरफ भी दरख्त हैं माशाल्लाह, हरियाली 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 है चारों तरफ माशाल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। आप लोग देख लें, ये आगे हमारे उस्ताद मोहतरम वाले जा रहे हैं और हम पीछे पीछे जा रहे हैं इनके माशाल्लाह। ये देखिए बहुत खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है, ये गाँव का मंजर है माशाल्लाह, खूबसूरत है। और ये हमारा दोस्त सही खूबसूरत ला रहा है और ये हमारे सारे पीछे बैठे हुए हैं और ये हमारे से रास्ते में जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अभी हम गांव पहुंच गए हैं और गांव की जो कदीमी मस्जिद है तो हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। ये बाहर का मंजर आप लोग देख लें, तो माशाल्लाह गाँव की मस्जिद में हम पहुँच गए हैं, जिस मस्जिद में हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ अली हसन बेहरानी। तो प्यारे दोस्तों, इस तरफ जो रास्ता है ये वाला नज़र आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं जो इस तरफ पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे कोलू और डेरा बूटी का रास्ता है और ये जो है पुरानी कदीमी मस्जिद है माशाल्लाह। इस मस्जिद में हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ अली हसन यहाँ पर पढ़े हैं और यहाँ पर हाफिज़ हुए हैं। तो माशाल्लाह मेरे ये प्यारे दोस्त, ये उस्ताद हैं हमारे सारे उस्ताद मोहतरम हैं। हम कदीमी मस्जिद पहुंच गए हैं, तो आगे आगे चलकर आप लोगों को अंदर का मंजर दिखाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये मस्जिद है माशाल्लाह, ये वजू खाना है मस्जिद का माशाल्लाह। आप लोग ये मस्जिद का वजू खाना देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, यहाँ से ऊपर जो है टेंकी लगी हुई है, उस्ताद साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो पानी ऊपर जाता है ना बग़ैर मतलब मोटर के पानी ऊपर जाता था, तो ये सीढ़ी है, सीढ़ी से मतलब आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं कि टेंकी किधर है। ये इसकी टेंकी है प्यारे दोस्तों, और ये मस्जिद है माशाल्लाह, कदीमी पुरानी मस्जिद है। ये भी देख लें माशाल्लाह, मस्जिद का मीनार, और इस तरफ भी मस्जिद का मीनार है। और ये सीढ़ी से मैं उतर रहा हूँ अभी, ये जो अभी आप लोगों को टेंकी मैंने दिखाई, तो मेरे उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं कि बग़ैर मतलब वाटर सप्लाई का पानी बग़ैर मोटर के ऊपर पानी जाता था। तो माशाल्लाह ये कदीमी मस्जिद है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह प्यारे दोस्तों माशाल्लाह। ये हमारे दोस्त हैं, ये गांव के गरीब हैं, और ये आप लोग मस्जिद देख लें, कदीमी मस्जिद है। और मस्जिद के इस तरफ खजूर की कुछ दरख्त हैं और ये बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। मस्जिद को देख लें मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मस्जिद शरीफ पसंद आई होगी माशाल्लाह। मस्जिद में अरबी फारसी का शेर लिखा हुआ है और मस्जिद भी आप लोग देख लें माशाल्लाह। तो
उम्मीद है आप दोस्तों को मस्जिद पसंद आ गई होगी। तो मेरे इस वीडियो को प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मेरे प्यारे न्यू व्यूअर भी देखें। तो और न्यू व्यूअर से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जो इस मस्जिद शरीफ में पढ़े हुए हैं, इन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की है। प्यारे दोस्तों ये कदीमी मस्जिद है। तो इस मस्जिद का नाम नबी वश खान खोसे से आया है, और इस गांव का जो ये गांव है उसका भी नाम नबी वश खान खोसे का मतलब गांव ही है। ये मस्जिद शरीफ का आप लोग देख सकते हैं, ये माशाल्लाह मेरा भाई खूबसूरती देख रही है। माशाल्लाह अरे दोस्तों ये मस्जिद की खूबसूरती देख लें। और ये मस्जिद है माशाल्लाह, ये कदीमी मस्जिद है, इसको अंदर से रंग रोगन कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये ज़बरदस्त खड़ी हुई अभी तक आप लोग देखिए, लेकिन मस्जिद बहुत कदीमी है। और ये मस्जिद है माशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, मस्जिद का ये सैन आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा सैन है माशाल्लाह। और ये कदीमी मस्जिद है, खान मोहम्मद खान नबी वश खान खोसा की मस्जिद है ये, और गांव भी इसका है। और ये इसी नाम पर मशहूर मस्जिद है, मस्जिद का दीदार कर लें आप लोग, आजीव खान की मस्जिद है ये माशाल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों ये देखें, ये भी टंकी है मतलब, और इसका पानी आप लोग ये देखें क्या, ये अजीब किस्म की टंकी है देखो। और ये पानी इधर भी है माशाल्लाह, ये देखो ये पानी है, ये मतलब पानी इधर से मतलब इसके अंदर पानी है, ये चोटियाँ भी लगी हुई है। और ये भी देखें माशाल्लाह जी साहब। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी हम मस्जिद से निकल रहे हैं और अभी वापस घर की तरफ रवानगी है, डेरा लायर की तरफ, शहर की तरफ। तो आप लोग मस्जिद को आखिरी दीदार कर लें। तो अभी हम जा रहे हैं डेरा लायर की तरफ, और ये मोटरसाइकिल पर सवार हो रहे हैं अभी। सूरत स्कूल, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़ दोस्तों।